वेलकम बैक गाइज, एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम जो आपका कक्षा 9वीं और 11वीं का जो रिजल्ट आना है गाइस, वो हम आपको पूरे प्रोसेस बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे आए अपना रिजल्ट देख पाएंगे। और पूरे स्कूल के जितने भी आपके छात्र हैं, आप अपने स्कूल का पूरा रिजल्ट देख पाएंगे अपने। पहले गाइस इसमें हम आपके देख लेते हैं किस प्रकार आपका रिजल्ट बनेगा, आपके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के अंक कितने जुड़ने वाले हैं, कितने प्रतिशत आपकी जुड़ने वाले हैं। सो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर पूरी प्रोसेस दिखाई देंगे। देख लीजिए यहाँ पर के पहले 11वीं की बात कर लेते हैं। जो आपका 11वीं का है, त्रैमासिक में आपके 5% अंक जुड़ने वाले हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। और अर्धवार्षिक परीक्षा के दो आपको प्राप्त अंक हुए थे, उसमें से भी आपको 5% अंक जुड़ने वाले हैं। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें से आपको 70% आपके जुड़ेंगे अंक। फिर इस तरह आपकी 100% जो आपकी मार्कशीट बननी है, अंक सूची बननी है। सो उसमें गाइस आपके इस तरह अंक जुड़ने वाले हैं, देख लीजिए आपको भी स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए गाइस यहाँ पर 9वीं की बात कर लेते हैं। कक्षा नौवीं के छात्र देख लीजिए पूरा, और इसके बाद हम प्रोसेस बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे रिजल्ट देख पाएंगे बिल्कुल सरल तरीका से। बिल्कुल 2 मिनट में आप बिल्कुल पूरा देख लेंगे, कहीं आपको बिल्कुल एक क्लिक पर ही आप अपना रिजल्ट देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए कक्षा नौवीं के छात्र जो आपका वार्षिक मूल्यांकन होना है वो किस तरह होगा आपका, देख लीजिए। यानी 5% आपका त्रैमासिक परीक्षा से जुड़ेगा और अर्धवार्षिक परीक्षा से भी आपका 5% जुड़ेगा इस तरह। फिर आपका यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी आपको 20% मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 20% आपको ये मिल जाएगा और 5A 5A। सो आपका ए हो गया आपका 30%, यहाँ पर आपको 10 आपको वे और प्रैक्टिकल मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर और 60 आपको यहाँ पर वार्षिक जो आपकी वार्षिक परीक्षाएँ हुई हैं उसमें से भी आपको 60% मिल जाएगा। सो इस तरह आपका 100% हो गया टोटल। सो इस तरह आपकी अंक सूची बननी है, वार्षिक परीक्षा की अंक सूची आपकी इस तरह बनेगी। चलिए गाइस अब हम आपके बात कर लेते हैं आप रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। आपका रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है, क्योंकि जो आपकी कॉपियाँ हैं और आंसर शीट है पूरी चेक हो चुकी है। सो गाइस बस आपकी तारीख घोषित होनी है कि किस तारीख को आपको, लगभग मुझे पता है कि आपके 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। सो गाइस हमने सोचा आप तो को जल्द से जल्द बता दिया जाए कि आप कैसे अपना रिजल्ट देख पाएंगे। सो चलिए गाइस पूरी प्रोसेस देख लेते हैं आप कैसे अपना रिजल्ट देख पाएंगे। सो गाइस चलिए आप देख लेते हैं। गाइस देख लीजिए, आपको इस लिंक की हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। सो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है इस तरह आप देख पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पर सेलेक्ट ब्लॉक यानी आप किस ब्लॉक के, यहाँ पर सेलेक्ट कक्षा हो जाएगी आपका किस कक्षा में आप पढ़ते हैं 9th या 11th। देख लीजिए यहाँ पर 9वीं या 11वीं कक्षा पढ़ते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल हो जाएगा। देख लीजिए इस डिब्बो में आपको सेलेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ये कैप्चा भर देना है, 13+1 क्या होता है 14। फिर आपको इस पर जो आप ये सब भर दोगे तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सो आपके पूरी स्कूल की जितनी लिस्ट है, आप जितने स्कूल छात्र पढ़ते हैं पूरे खुल जाएंगे। सो गाइस इस तरह आपकी पूरी प्रोसेस होती है। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस तो देख लीजिए यहाँ पर आपका पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है आपको कहाँ से कहाँ तक अपना पूरा रिजल्ट देखना है। सो गाइस आपको इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट और किस ब्लॉक के हैं आप और स्कूल आपको सेलेक्ट कर लेना और किस क्लास के हैं, यहाँ पर आपको ये कैप्चा भर देना है। सो आप जैसे ही सबमिट करेंगे सो आपके पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अगर अभी आप सबमिट करेंगे तो आपके 2020 की जितने छात्र पढ़ते थे 11वीं 9वीं में, सो आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। सो देख ठीक है गाइस इस तरह आपकी पूरी प्रोसेस हो चुकी है। सो गाइस वीडियो का अंत ही करते, वीडियो यार पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस ऐसे नए अपडेट हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और गाइस ऐसे ही हम आपके जो गर्मियों की छुट्टी हुई है, आपकी जो चल रही है आपकी गर्मियों की छुट्टी, उसमें आपके 9वीं और 11वीं 10वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उनकी ये सभी नोट्स ऐसे तैयार करा देंगे गाइस। पूरे पूरे नोट्स जो आपके हैं पूरे PDF सहित आपको प्रोवाइड करा देंगे और गाइस पूरे हल सहित। सो गाइस इस तरह हम वीडियो का अंत ही करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक वीडियो को लाइक, चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना।